हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नर्मदा नीर को लेकर आंदोलन जारी, देवासी समाज व हाट ठेला यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। भीमा नर्मदा नीर संघर्ष समिति द्वारा नर्मदा के पानी की मांग को लेकर स्थानीय एसडीएम कार्यालय के समक्ष आयोजित बेमियादी धरना प्रदर्शन और पीएम व सीएम के नाम हस्ताक्षर अभियान के 22वें दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। सोमवार को भीमाल हाट ठेला नाश्ता यूनियन ने दिन भर कारोबार बंद रखकर धरने में भाग लिया। इस दौरान अध्यक्ष सुरेश कुमार वैष्णव के नेतृत्व में पीएम व सीएम के नाम तहसीलदार राम सिंह राव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वर्ष 2013 से लंबित नर्मदा परियोजना ईआर प्रोजेक्ट का कार्य इसी वर्ष पूर्ण करवाकर नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाने की मांग की। इससे पूर्व ढोल नगाड़ों के साथ मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुँचे। इस अवसर पर यूनियन के सचिव सोहनलाल जाट, कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार माली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वरलाल बंजारा, जैसाराम माली, रघुवीर नागर, रमेश भाटी, नितिन शर्मा, श्रीनाथ ग्रुप, मनोहर नागर, श्रवण बंजारा, धर्मराज, प्रकाश कुमार, हितेश कुमार, वक्ता राम, अशोक, राजेश शर्मा, एमपी ग्रुप, लक्ष्मण, रमेश अन्ना, राजू, सुरेश, जीवा राम, भरत प्रजापत, मोहन गुजर, दिनेश नागर व नरेश नागर, कैलाश सहित बड़ी संख्या में यूनियन सदस्य उपस्थित थे। इसी प्रकार करडा मार्ग पर स्थित रेबारियों के बाशिंदों ने धरने में भाग लेकर पीएम व सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व नपा अध्यक्ष सावला राम देवासी, जोधाराम परमार, वरजांगा राम मोरडा, कर्मी राम भाड़का, होमा राम लोढ़ा, बरजांगा राम पन्ना, मेसा राम, हरसन राम, संदीप देवासी, एडवोकेट जोधाराम देवासी, दिनेश कुमार, लीला राम, अजबा राम, जोगा राम, कृष्ण भोंगरा व छात्र संघ अध्यक्ष दीपक देवासी सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इससे पूर्व मोहल्ले से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए धरना स्थल व एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जिनके हाथों में मांगों को लेकर नारों से लिखी तख्तियां थमी हुई थी। इधर धरना प्रदर्शन के 22वें दिन सरकार व प्रशासन की आंखें नहीं खुलने और धरने को हल्के में आंकने से नगर व ग्रामीण क्षेत्र के बाशिंदों में दिनों दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो आंदोलन बड़ा रूप धारण कर सकता है। लगातार 22वें दिन धरना प्रदर्शन की वजह से सत्ताधारी व विपक्षी दलों के नेताओं की भी नींवें हिलने लगी हैं। उनको भी 24 घंटे भय सता रहा है कि कहीं जनता के आंदोलन व गुस्से का शिकार नहीं हो जाएं। ऐसी स्थिति में ये नेता भी आंदोलन को विफल करने में अप्रत्यक्ष रूप से जुट गए हैं। समिति के सदस्य दोनों दलों के विचारधारा से जुड़े हुए होने की वजह से कुछ सदस्यों को भड़काने की विफल कोशिश भी की जा रही है। दोनों दलों के नेता समिति के एक एक सदस्य को बुलाकर लोभ भी दिया जा रहा है, लेकिन शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक व निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर भगवान वराशराम जी की सानिध्यता, साक्षी व सौगंध के साथ प्रारंभ आंदोलन की विलाफत से सब ये भय व्याप्त है। जागरूक टीवी की भीड़माल से खास रिपोर्ट।